हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। मैं हूं मुबीना पटेल और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं मगज बनाने की रेसिपी। ये गुजरात की स्वीट डिश है, ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैं घी ले लूँगी 125 ग्राम, यानी कि 2/3 कप। तो फ्रेंड्स, घी को मेल्ट होने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बेसन यानी कि चने का आटा। तो यहाँ पर मैं क्रिस्पी जो कुरकुरा चने का आटा आता है वो यूज़ कर रही हूँ, जो दानेदार बेसन आता है ना वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको चक्की से पिसवा सकते हो या फिर आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ये बेसन मैंने ले लिया है 250 ग्राम। तो जितना बेसन लिया है इससे आधा मैंने घी ऐड किया है। तो बस इसको मैं घी के अंदर रोस्ट कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे जैसे ये रोस्ट होता रहेगा यानी कि भूनता रहेगा, वैसे ये लाइट होता जाएगा और ये फूलता जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से फूल रहा है। तो मैं इसको अच्छे से भून लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं उसको भूनती रहूँगी। तो आप देख सकते हो कि कितना फूल गया है अभी। तो थोड़ा और भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून दूध। तो इससे हमारा मगज बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो दूध ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मैं पूरे प्रोसेस में फ्लेम को मीडियम ही रख रही हूँ और इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखो, जैसे दूध ऐड किया और मैंने मिक्स करने लगी तो ये देखो और भी फूलने लगा। आप देख सकते हो कि पहले बेसन की क्वांटिटी कितनी थी और अभी कितनी है। दूध ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आप यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, जो मैंने नहीं ऐड किया है। और इसके बाद मैंने ऐड कर दी शुगर। तो शुगर मैंने ऐड की है 125 ग्राम, यानी कि 2/3 कप, 125 ग्राम्स। तो इसका रेशियो ऐसा ही है कि जितना बेसन लेते हो उससे आधा शुगर और घी ले लेना है। तो फ्रेंड्स, बस शुगर ऐड कर दी है मैंने और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है, गरम गरम बेसन के साथ शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो बस इस तरह से मेरा मगज रेडी है। अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी जिसको मैं घी की हेल्प से ग्रीस कर लूँगी इस तरह से, ताकि मगज अच्छे से डिमोल्ड हो जाए। और इसके अंदर मैं मगज को निकाल लूँगी और इसे अच्छे से फैला लूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, हम लोग ईद में इसे ज़रूर बनाते हैं। तो बस मैं इसे थाली पर इस तरह से फैला लूँगी। यहाँ पर मैंने बड़ी थाली ली है क्योंकि मुझे बिल्कुल कतली जैसे पीसेस चाहिए। अगर आप मोटे मोटे पीसेस रखना चाहते हो तो आप इसे छोटे बर्तन में निकाल लिए, और डिपेंड है कि आपके मगज की क्वांटिटी कितनी है। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा बेसन लेते हो तो घी और शुगर की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देना। तब मैंने उसके ऊपर ऐड कर दी चारोरी और खसखस और ये थोड़े से बादाम और पिस्ते, और मैं उसको इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से थोड़े प्रेस कर लूँगी और इसे सेट होने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। ज़्यादा वक्त भी लग सकता है क्योंकि गर्मी बहुत है। और फ्रेंड्स, आप इसे कभी भी फ्रिज में सेट मत करना। तो फ्रेंड्स, इसे सेट करने के लिए आप इसे एसी के नीचे रख दीजिए, या फिर एसी नहीं है तो आप ऐसा एक वेसल ले लीजिए जिसके ऊपर आपने जिसमें मगज रखा है वो थाली या वो बर्तन उसके ऊपर आ जाए। तो वो नीचे वाले बर्तन में थोड़ा सा आइस वाला पानी ऐड कर दीजिए और इसके ऊपर ये बर्तन रख दीजिए मगज वाला, और फिर 3 से 4 घंटे दे दीजिए। तो इंशाल्लाह अच्छे से सेट हो जाएगा। सर्दी के मौसम में तो ये वैसे ही सेट हो जाएगा, लेकिन अभी गर्मी बहुत है इसीलिए इसे सेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं भी इसे रात को बनाया था और सहरी में मैंने उसको डिमोल्ड कर लिया, सहरी में ये बिल्कुल सेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने उसको काट कर निकाल लिया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।